भोजपुरी में खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। खालिस्तानी की मांग, जो खालिस्तान का मांग कर रहे थे वो गए ना जी, उठा के ले गया लोग। जितना अभी तक लोग कैंपेन चलाया है सारो देखिएगा, सब फेल है। तो जंतर मंतर से हम भाई लाइव हैं और एक पूरा परिवार है यहाँ पर पहुँचा है, बात करेंगे भी क्यों पहुँचा है जंतर मंतर पर फैमिली। नमस्कार जी, नमस्कार, इनके साथ में ले लीजिएगा। हाँ जी, क्यों आए हैं जंतर मंतर पे? सपोर्ट देने आया हूँ। किन को? पहलवान। अच्छा, महिला पहलवान। हाँ। आपके साथ ही पूरी फैमिली? हाँ, पूरी फैमिली हमारे साथ ही। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम जी? नसरपुर। अच्छा, क्या कुछ जानते हैं इस धरने के बारे में? देखने आए कि क्या हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है वैसे, आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी? नहीं, सही है, सब हो रहा है, होना चाहिए। सही बैठी हैं? ठीक है। बाड़ी भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ जी, नमस्कार। अपना नाम? मोहम्मद जीशान। अच्छा जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे धरने के बारे में? पापा लेके आए हैं वहाँ पे, चलो वहाँ धरना देना सब है अपना, जो भी है उनको पता है लेकर के आए साथ में, बस इतने हम लोग जानते हैं और साथ देना है, बात खत्म। बेटा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? निशा। निशा, आप क्या कुछ जानते हैं धरने के बारे में? कौन नाम पता है जो पहलवान है इनके? इनका नाम, नाम पता नहीं, ऐसे वो मतलब ऐसे वो आ रहे। मतलब आप यहाँ पर आए, आपको क्या जानकारी दी गई अभी यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक नहीं हो रहा, मतलब इनका आवाज़ सुने नहीं जा रही है, इसकी वजह से। अच्छा, बेटियाँ सुरक्षित है इस सरकार में? नहीं नहीं, सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आपकी देखो कि बेटी है, ठीक है, स्कूल में जाती होगी आती होगी, आप डर बना हुआ है किसी भी तरीके? हाँ, डर बना हुआ, आजकल का माहौल भी ठीक नहीं है, क्राइम हो रहे हैं, पुलिस वाले के सामने सब मार रहे हैं, अभी जैसे त्यौहार में हुआ। अच्छा अच्छा, तो आदमी तो अनसेफ हो गया ना, जब पुलिस के सामने सब मार रहे हैं तो क्या डर है, फिर हम लोग किसके पास जाएंगे, जब पुलिस ही के पास सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आप सब पूरे स्पोर्ट में हो, महिला पहलवानों के? जी जी, बिहार से सपोर्ट। आप बिहार से? हाँ, बिहार से हम आए हैं सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, बिहार से आए हो आप, इन्हीं के साथ? ना, हम अपना। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे FIR दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट में। पॉक्सो एक्ट होता है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करके अंदर डाल दो। अब देखिए यहाँ की FIR हो गई ना, गिरफ्तारी हो रही है, अभी इतना 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए, अभी तक 164 का बयान दर्ज नहीं हुआ है, कितना शर्मनाक बात है। क्यों नहीं हुआ है? दबाव में है सब लोग। किसके दबाव में? IO जो है तुरंत अपना रिपोर्ट दर्ज बना के रिपोर्ट दर्ज करता है, तो फिर वो नहीं कर रहा है। दबाव है? अब जाहिर सी बात है, जिसका ऊपर में ऊपर हाथ है उसका ऊपर का संरक्षण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कौन है? अच्छा अच्छा, और कौन हो सकता है? को बचा रही है भारतीय जनता? बिल्कुल बचा रही है, इसलिए बचा रही है कि आने वाले चुनाव में अगर वो उसको हटा देगा लोग, तो 4 से 5 MP उसके हट जाएंगे, एक जोर झटका रहेगा, इस वजह से उसको हटा नहीं रहा है। वोट की राजनीति कर रही है सरकार? बिल्कुल जा रहा है, इसलिए बचा रही है। वोट की राजनीति से, आप वोट की राजनीति से ये देश के बेटियों का ये लोग अपमान कर रहा है। अरे, ये तो देश, इनका तो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में BJP मैदान में, और आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। ये सब ये जुमला है, जितना अभी तक ये लोग कैंपेन चलाया है सारो देखिएगा, सब फेल है, कोई नहीं हुआ सक्सेस, सब फेल, सरकार फेल है अपने। बिल्कुल सब फेल है, कोई कहीं देखिए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे देश के जो सैनिक थे, पूर्व सैनिक, वो यहाँ धरना दे रहे थे, कुछ दिन पहले किसान कर रहे हैं, अब पहलवान कर रहे हैं, कभी मजदूर करते हैं, सारे लोग तो तम त्राहिमाम हो गए हैं इस राज्य में। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सुरक्षित रहता। देखिए, जब देश का सेना है तो उन लोगों पे कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा नाम सोहेल होगा। सोहेल? मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सोहेल जी, ठीक है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है? नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर कहते, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, गांव तक नहीं बन सकता है, तो ये तो पूरा देश का बात है। लेकिन 2024 में बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं। कहने दीजिए वो लोग, देखिए वो तो बिहार जा रहे हैं, वहाँ वाला विरोध हो रहा है ना, तो ये राजनीति करने के लिए जाएंगे तो इनका विरोध होगा, धर्म प्रचार के लिए जाए इनको कोई रोक टोक नहीं है, सबका आज़ादी है, धर्म प्रचार करिए कोई, लेकिन आप राजनीति करिएगा तो आपको विरोध होगा। भाई बिल्कुल FIR होना चाहिए ऐसे ऐसे व्यक्ति पर जो एक राष्ट्र एक धर्म की बात कर रहे हैं, जो एक राष्ट्र के आपका मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहा है, चाहे खालिस्तानी की मांग, जो खालिस्तान का मांग कर रहे थे वो गए ना जी, उठा के ले गया लोग। तो एक राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राज्य में अगर कोई एक विशेष जाति करके विशेष धर्म का अगर मान की जाए, तो वाकई उस पर FIR होना चाहिए, उसको करना चाहिए। ये कह जा रहे हैं ये जाट बेटी हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, हाँ,
आप कोर्ट में आए हो? हाँ जी, देखिए ये लोग तो जाट है नहीं, जब ये मेडल लाता है, जब देश का नाम रोशन होता है विदेश में, तो सबका सीना गर्व से ऊंचा होता है, सब लोग कहता है करे मेरा देश का नाम ऊंचा हुआ, जापान टोक्यो ब्राजील कहाँ कहाँ ये लोग किया है, जाट बेटी हैं, हरियाणा से हैं, एक ही खाड़ी के, इसलिए कहा जा रहा है ना कि एक कहावत है भोजपुरी में कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, खंभा नोचे, वो लोग गुस्सा में है, कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है, अगर वो सही है तो आगे बोल देना कि हम जो होगा हम तैयार हैं। ब्रिजभूषण तो कह दो रहा है भाई एफआईआर होगी, अब जांच का विषय है, वो कह रहे हम सहयोग करेंगे जांच में, आप समझ ही रहे हैं कि कितना इस पे हो रहा है, इस्तीफा देने के लिए कह रहे मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी कह रहे हैं, तो चैलेंज कर रहे हैं ना उनको, ये तो उन लोगों को भी चैलेंज कर रहे हैं, मोदी को, गृह मंत्री जेपी नड्डा सबको, तो वो लोग चैलेंज कर रहा है वो, हम लोग ज्यादा राजनीति वाला बात क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, ये सब अब सब सरकार बदलनी चाहिए, 24 में बदल कर रहेगी, बस एक अलग सी बिहार बही है, सरकार तो कह रही है 2030 में फिर हमारी तो 15-20 साल और आएगी, वो तो कोई भी कह सकता है, कहने के लिए वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे 2024 में, कोई भी कह सकता है, उसके लिए कोई राइट टू स्पीच है, हम लोग का अधिकार है, गुरु बनने जा रहा है, वो सब पता है कितना भी स्वगुरु बनता है, वो सब जुमलों में सब तब्दील है, मतलब उसके अलावा सब जुमलेबाजी है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है जी, तो जंतर मंतर पे है, और क्यों हम आपको जो यहाँ की जो रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, वीडियो को शेयर करना आपके हाथ में, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हालात देश के हैं, जो हमारी महिला पहलवान हैं, जिनको जाति का रूप देकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लोगों का कहना है ये, और ये वाइब फैल भी रही है, और अलग अलग पे चल रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, जो कह रहे हैं एक विशेष जाति के हैं, एक विशेष जाति के लोग हैं, और एक अखाड़े के हैं, वो फेडरेशन पे कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पर कंटेम्प्ट किया, खंडन किया इन सभी बातों का, और 36 बिरादरी के लोग हैं, और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं पहलवानों का है जो सपोर्ट करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिए, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।